दिल्ली में बेरहम बेसमेंट पर एक्शन। अब जाग उठी दिल्ली की सरकार, मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। कैसा कानून बनाने जा रही है सरकार। दिल्ली कोचिंग में हादसे के बाद से कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। पहले राजनीति का दौर खत्म होने के बाद अब दिल्ली सरकार ने फाइनली कानून बनाने के बारे में सोचा है। इसका खुलासा खुद मंत्री आतिशी ने किया। पहले तो दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से पलड़ा झाड़कर एलजी और केंद्र सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ दिया और आरोप लगाया कि उनके पास तो कोई पावर ही नहीं बची है। लेकिन सुबह होते ही तमाम तरीके से एक्शन लिए जाने लगे, जिसके बाद खुद दिल्ली सरकार के एक एक मंत्री सामने आने लगे और बताने लगी कि कैसे वे ही एक्शन ले रहे हैं। अब आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि अब तक कई कोचिंग संस्थाओं पर उन लोगों ने कार्रवाई की है, आगे भी ये कार्रवाई होगी। रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा, साथ ही एक कानून भी बनाया जाएगा। सुनिए। जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहां पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहां पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है, उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो एई थे असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसके अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी।